So many pieces are back together now. What's your vision? नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं प्रदीप टेक यूट्यूब चैनल में। सो गाइस, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे जो है आप अपने वीडियोस में वाटरमार्क ऐड कर सकते हैं। और गाइस, इसी को हम कहते हैं ब्रांडिंग। सो गाइस, आप सभी जानते हैं कि ब्रांड का मतलब होता है कोई एक नाम, कोई एक लोगो या फिर कोई एक सिंबल जो कि आपको बाकी सभी से जो है अलग खड़ा करता है। और ब्रांडिंग का मतलब होता है इस प्रोसेस को हम जो कि एक यूनिक नेम को क्रिएट करता है अपने व्यूअर्स की नज़रों में। सो इसे ब्रांडिंग कहा जाता है। सो गाइस, आप किस तरह से जो है एक ब्रांडिंग लोगो अपने वीडियोस में ऐड कर सकते हैं, यही मैं आपको बताने वाला हूँ। और इसके लिए जो है आपको अपने हर एक वीडियोस में कुछ अलग से करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि यूट्यूब में जो है आपको ये ऑप्शन मिलेगा और वो सिर्फ आपको एक बार अपलोड करना है। उसके बाद आपके जितने भी अभी तक के पिछले वीडियोज़ हैं या फिर आने वाले वीडियोज़ हैं, उन सब में वो एक ब्रांडिंग लोगो या फिर आपकी कोई इमेज या फिर कोई एक नाम ऑटोमेटिकली जो है आपके वीडियोज़ में शो होगा। सो गाइस, इसी बारे में आपको आगे आपको गाइस ये कैसे करना है यही मैं आपको बताने वाला हूँ। सो गाइस, विदाउट फर्दर एडू, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, सबसे पहले आपको जाना है अपने क्रिएटर स्टूडियो में। इसके बाद जो है आपको यहाँ ऑप्शन मिलेंगे चैनल का। सो गाइस, इसे क्लिक कर दीजिएगा। और जैसे ही आप जो है चैनल वाला ऑप्शन क्लिक करेंगे तो यहाँ पर नीचे आपको ऑप्शन आएंगे मोनेटाइजेशन, अपलोड डिफॉल्ट और ब्रांडिंग। तो आपको ब्रांडिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। सो गाइस, आप जैसे ही ब्रांडिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपको आएगा यहाँ पे ब्रांडिंग वाटरमार्क ऐड चैनल ब्रांडिंग एलिमेंट टू ओवरले ऑन योर वीडियोस। सो गाइस, आप यहाँ से जो है वाटरमार्क ऐड कर सकते हैं और इसके बाद आपको यहाँ पे क्लिक करना है। और गाइस, यहाँ पे जो है आपको ये ऑप्शन दिए हैं कि आपको जो है ट्रांसपेरेंट ऐड करना है। सो गाइस, आप पिक्सआर्ट में जो है एडिट कर सकते हैं अपने किसी भी पिक को, किसी भी इमेज को जिसमें आपके चैनल का नाम हो या फिर जो भी जैसा भी आप चाहें। सो गाइस, जब आप एक ट्रांसपेरेंट इमेज ऐड कर लेंगे, चाहे वो फॉर्मेट हो सकता है PNG या फिर GIF। और इसके अलावा दोस्तों, आपको बात एक बात ध्यान रखनी ज़रूरी है कि आपकी फाइल का साइज़ जो है 1 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब 1 MB से कम होगा तो ही वो अपलोड होगी, वरना नहीं होगी। बट 1 MB तक चल जाएगा, बट 1 MB से ऊपर हुई तो अपलोड नहीं हो पाएगी। तो गाइस, यहाँ से हम फाइल को चूज़ कर लेते हैं और जो हमने एडिट की है और डेस्कटॉप पे वो फाइल है। सो गाइस, ये मैंने पहले से एडिट कर चुका हूँ मैं PNG। और इसका आप साइज़ देख सकते हैं 915 KB। सो गाइस, इसे मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। और जैसे ही हम सिलेक्ट कर लेंगे यहाँ पे हमारे पास सेव का ऑप्शन आएगा। सो गाइस, यहाँ पे तब तक सेव नहीं होगा जब तक जो है इमेज अपलोड नहीं हो जाती। सो गाइस, हमें थोड़ा सा वेट करना होगा। सो गाइस, जैसे ही आपकी इमेज अपलोड हो जाएगी तो इस तरह आपके सामने ऑप्शन हो जाएगा। सो गाइस, इसके लिए आपको जो है अगर नेट स्लो है तो आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ सकता है। सो गाइस, यहाँ पे हम जो है अब इसे सेव कर लेते हैं। और जैसे ही हम सेव कर लेंगे, सो गाइस, इसके बाद जो है यहाँ पे इस तरह का हमें दिखेगा ये, और हमारे वीडियोज़ में भी जो है इस तरह से ये दिखाई देगा। सो गाइस, यहाँ पे हमारे पास कुछ ऑप्शन हैं कि हम अपने डिस्प्ले टाइम को सेट कर सकते हैं, यानी कि हम अपने जो ब्रांडिंग वाटरमार्क है उसको एंड के वीडियो के एंड में दिखाना चाहते हैं, पूरे वीडियो में दिखाना चाहते हैं, या फिर कस्टम स्टार्ट टाइम सेलेक्ट कर सकते हैं। सो गाइस, मैं चाहता हूं कि ये जो मेरा वाटरमार्क है ये मेरे पूरे वीडियो में दिखाई दे, तो इसके लिए मैं जो है एंटायर वीडियो सेलेक्ट कर लेता हूं और यहां पे जो है अपडेट कर देता हूं। तो गाइस, मैंने यहाँ पे एंटायर वीडियो सिलेक्ट कर लिया है और अब जब भी मैं कोई अपना वीडियोस अपलोड करूँगा तो ये वाटरमार्क जो है दिखाई देगा, ये इमेज दिखाई देगा। इसके अलावा दोस्तों, मेरे अब तक के जितने भी पुराने वीडियोस हैं उनमें भी ये जो वाटरमार्क है, ये इमेज है, ऑटोमेटिकली जो है आप लोगों को दिखाई देगी। सो गाइस, इस तरह से जो है आप एक ब्रांडिंग वाटरमार्क या फिर एक लोगो अपने सभी वीडियोज़ में ऑटोमेटिकली ऐड कर सकते हैं।